2024 लोकसभा चुनाव तो अभी काफी दूर है, लेकिन विपक्षी दलों को ऐसा लगता है कि 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम में ही 2024 लोकसभा चुनाव का परिणाम छिपा हुआ है। यही कारण है कि मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए विपक्षी दल अभी से कमर कस रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में आए दिन बैठक कर रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी सहित 19 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक डिजिटल बैठक किया और सभी का आह्वान किया कि वे आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना मतभेद भुलाकर एकजुट हो जाएं। इस मौके पर सोनिया गांधी ने कहा कि देश के संवैधानिक प्रावधानों और स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों में विश्वास रखने वाली सरकार के गठन के लिए सभी दलों को अपनी अपनी व्यवस्थाओं से ऊपर उठना होगा। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि इस समय विपक्षी दलों की एकजुटता संयोग नहीं, राष्ट्रहित की मांग है और इसके लिए कांग्रेस अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बैठक में शामिल कुछ नेताओं ने विपक्ष के विचार विमर्श में संसद में प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले देश के छोटे छोटे दलों को भी शामिल करने की बात कही। बैठक में शामिल टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी सहित कई नेताओं ने इस तरह के विचार विमर्श में छोटे दलों को शामिल करने का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमें सभी क्षेत्रीय ताकतों को एकजुट करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। ममता ने इस तरह की बैठकों में 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटें हासिल करने वाली पार्टी भाकपा माले को भी शामिल करने पर जोर दिया। वहीं कुछ नेताओं ने फॉरवर्ड ब्लॉक और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को भी ऐसी बैठक में बुलाने का मुद्दा उठाया। हालांकि इस बैठक के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया। खबरों के अनुसार सोनिया द्वारा बुलाई गई इस डिजिटल बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो नेता हेमंत सोरेन शामिल हुए। विपक्षी दलों की इतनी बड़ी बैठक में समाजवादी पार्टी भी शामिल होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश वह इस बैठक से दूर रही। इस बैठक में कांग्रेस के अलावा राजद, भाकपा, माकपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, राष्ट्रीय लोक दल, AIUDF, जनता दल, SBC के लोकतांत्रिक जनता दल, RSP, केरल कांग्रेस, M और IUML के नेता भी शामिल हुए। बैठक में बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे भरोसा है कि अब विपक्षी एकजुटता संसद के आगे सत्रों में भी बनी रहेगी। निश्चित तौर पर हमारा लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव है। हमें देश को एक ऐसे सरकार देने के उद्देश्य के साथ व्यवस्थित ढंग से योजना बनाने की शुरुआत करनी है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों और संविधान के सिद्धांतों एवं प्रावधानों में विश्वास करती हो। विपक्षी दलों का आह्वान करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि यह एक चुनौती है, लेकिन हम साथ मिलकर इससे पार पा सकते हैं और अवश्य पाएंगे भी, लेकिन मिलकर काम करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम सभी की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन अब समय आ गया है जब राष्ट्रहित यह मांग कर रहा है कि हम इन व्यवस्थाओं से ऊपर उठें। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अपने व्यक्तिगत और सामूहिक संकल्प पर फिर जोर देने का यह सबसे उचित अवसर है। मैं यह कहूंगी कि कांग्रेस की तरफ से इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। वैसे अगर देखा जाए तो विपक्षी दलों की यह एकजुटता अपने अस्तित्व को बचाने की एक कवायद है। अब देखना यह है कि ये राजनीतिक दल अपने अपने स्वार्थ और हितों को परे रखकर एकजुट हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ किसी एक दल को पार पा पाना मुश्किल है। ऐसे में विपक्षी दलों को अपने अपने व्यक्तिगत हित छोड़कर साथ आना होगा, अन्यथा मोदी सरकार की राजनीतिक चालाकी के आगे वे अपने अस्तित्व के लिए भी तरस सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।